नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए YouTube वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बवासीर जैसी बड़ी समस्या से मात्र कुछ ही दिनों में निजात पा सकते हैं। दोस्तों, बवासीर दो प्रकार के होते हैं, एक अंदरूनी और एक बाह्य। और दोस्तों, ये दोनों बवासीर बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक होते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा कर चुका है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। और दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए एक बेहद ही ज़बरदस्त और असरदार नुस्खा लेकर आया हूँ। दोस्तों, आजकल लोग पाइल्स की समस्या से परेशान होकर ऑपरेशन करा लेना ही उचित समझते हैं, लेकिन दोस्तों आयुर्वेद की जगत में बहुत से ऐसे नुस्खे हैं जो कि पाइल्स जैसी समस्या को बिना ऑपरेशन कराए ही ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आए हुए घंटी को दबाएं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले इन सारी चीज़ों को साइड कर लें। और दोस्तों, इसके बाद आप ले एक क्लीन बॉल। और दोस्तों, इसमें आप इस मूली को इस तरह से पीस में काट लें। दोस्तों, मूली को बवासीर को ठीक करने का सबसे असरदार नुस्खा माना जाता है। तो दोस्तों, आपको मूली को इस तरह से काट लेना है। और दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको 5 से 6 लहसुन की कलियां लेनी है। और दोस्तों, इसे भी इसमें अच्छी तरह से काट लेना है। दोस्तों, लहसुन के इस्तेमाल से आपकी पाइल्स की समस्या में बहुत ही ज़्यादा राहत मिलता है, इससे आपका दर्द बिल्कुल कम हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसे किसी मिक्सी या ग्राइंडर की सहायता से पीस लेंगे। और उसके बाद इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ऐड करेंगे और इसके इस्तेमाल करने की विधि बताएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसे पूरी तरह से एक पेस्ट बना लिया है। और दोस्तों, इसके बाद इस रेमेडी में हम इस्तेमाल करेंगे नमक यानी कि सॉल्ट। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से पाइल्स में बहुत ही बड़ी राहत मिलती है। तो दोस्तों, आपको इसमें इतनी मात्रा में नमक डाल लेनी है। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको इसमें थोड़ी सी मात्रा में पानी डालनी है जिससे कि पूरी तरह से एक जूस की तरह तैयार हो सके। तो फ्रेंड्स, ये अब पूरी तरह से एक जूस की तरह तैयार हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपको इसका इस्तेमाल दिन में 2 बार करना है। दोस्तों, आप एक बार सुबह और एक बार रात में इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आप इस रेमेडी का लगातार 25 से 30 दिनों तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसके बाद आपकी पाइल्स की समस्या खत्म हो जाएगी।